घड़ी तुम नाम लो अपने दिल और इश्क से तुम काम लो। बोलो सुभान अल्लाह। के दर बदर और हर घड़ी तुम नाम लो अपने दिल और इश्क से तुम काम लो। जब कभी दुनिया के उलझन में फंसो के जब कभी दुनिया के उलझन में फंसो मुस्कुरा कर मुस्तफा का नाम लो। जनाब कारी तबरेज़ आलम साहब मज़ाहिरे माइक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मौजूद सा महीने जलसा आइए सीधे सीधे मैं चंद कलाम आपके सामने पढ़ता हूँ और गुजारिश ये करता हूँ कि अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। हमारे इस जलसे की निजामत फरमा भाई वाकिद नकीम साहब बड़े पुरजोर लफ्जों में और कह लीजिए उसे हल्के जबान में कभी आपको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी डोलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी पे आप चपके ऐसे न कभी हिल रहे हैं न डोल रहे हैं, कम अज कम सुभान अल्लाह कह देंगे। असल में जिनको कुर्सी मिल जाती है ना तो फिर वो हिलने डोलने की कोशिश भी नहीं करता कहीं छूट न जाए। अच्छा करते रहिए अभी तो खाली है। आइए सीधे सीधे मैं पढ़ता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के हालात आप सामने के सामने हली मदाई की जो बकरियां चराता है, हली मदाई की जो बकरियां चराता है, कसम खुदा की वो महे गोब किबरियां का है, और जो चांद अभी हमारे लिए मुअम्मा है, कसम खुदा की मेरे नबी का वो तो हुआ खिलौना। कसम खुदा की वो महबूब किबरिया का है, और जो चांद अभी हमारे लिए तोड़ा हुआ खिलौना है। दोस्तों आइए चंद मिसरे और पढ़ता हूँ और वहां से अगर जो लोग हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखते हैं वो जरा सा मचल कर सुभान अल्लाह बोलेंगे जब मैं मिसरा पढ़ूंगा। बोलिए एक मर्तबा जोर से सुभान अल्लाह। समाने वाले तो ऐसी मिसाल देते हैं, जमाने वाले तो ऐसी मिसाल देते हैं, अजान काबे की छत पर बिलाल देते और जब काफिरों ने कहा कि आप ये सदा बंद करें वरना आपकी जुबान को मैं सिर दूंगा, है तो बिलाल क्या कहते हैं, मैं आप सामईन के सामने वो दर्द वो झलक आपके सामने रखता हूँ, जरा सा आप बगैर समाज फरमाए। और कहा काफिरों ने जबान तेरा सिल दूंगा, कहा काफिरों ने
बिलाल बोले, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। बिलाल बोले, दोस्तों आइए क्या गजब की धमकी है। माँ के हवाले से पढ़ता हूँ, जो लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं वहां तो भागकर बोले सुभान अल्लाह, ऐसे अब ज्यादातर सास ससुर से ही मोहब्बत करते हैं क्योंकि उधर से कुछ है मिलने की ख्वाहिश, लिहाजा माँ बाप वाले लोग हाथ उठाए सास ससुर भी इज्जत करे लेकिन माँ बाप के बाद। जी जी बिल्कुल। डर मुझे भी लगता है, हाल दिल सुनाने में कवरेज कर रहे हैं एफके एकेडमी जनाब भाई खालिद मीर साहब, बड़े ही अजीज हैं हमारे और बहुत ही प्यारे भी हैं। मैं उन्हीं के हवाले और स्टेज पे बैठे उलमाए कराम के हवाले ये मिश्रा पढ़ता हूँ कि डर मुझे भी, डर मुझे भी, डर मुझे भी लगता है, हाल दिल सुनाने में और लोग गम के मारे हैं, इस कदर जमाने में आज कल कहर बेटा, काश ये समझ लेता और खून सूख जा का कमाल। बहुत ही अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा। स्टेज वाले साहब लोग बेदार नहीं है, जी जी का पीछे नहीं सुभान अल्लाह कह लीजिए माशाल्लाह। सुख जाता है बाप का कमाने में, और जब से मैंने देखा है भूख तक नहीं लगती। कौन कौन लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, जरा हाल उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जब से मैंने देखा है भूख तक नहीं लगती, जब से मैंने देखा है भूख तक नहीं लगती, अरे हाथ जल गए माँ के रोटियां पकाने में, हाथ जल गए माँ के रोटियां पकाने में। आइए दोस्तों सीधे सीधे चंद मिसरे नाते या कलाम का पढ़ता हूँ फिर मैं अपनी जगह लूंगा। आता हो भाई आता हो। कुछ चरागे दीन की लो, अब तो आपको बोलना पड़ेगा इंशाल्लाह, नारे तक भी तो लगा सकेंगे आप। कुछ चरागे दीन की लो को बढ़ा कर देखिए, कुछ चरागे लोगों बढ़ा कर देखिए, नारे हमें और आपको भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए, उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। आइए मैं उनके हवाले से एक मिसरा पढ़ता हूँ कि सोने चांदी के महल
जन्नत में होंगे आपके, सोने चांदी के महल जन्नत में होंगे आपके, अपने बच्चों को लगा कर देखिए।